गोरखपुर लोकसभा सीट 2004 में समाजवादी पार्टी ने, 2009 में बसपा ने, 2014 में भाजपा ने, 2009 में सपा बसपा गठबंधन ने जीती थी। अब 2024 में मुकाबला त्रिकोणीय है और मैं जयपुर में, जौनपुर में माहौल क्या है पता करने के लिए आपका बोलिए बोलिए सर बोलिए क्या बोले चुनाव के बारे में कुछ बताएं। चुनाव के बारे में बता सकते हैं, बताइए। चुनाव के बारे में बताएं, लग रहा है कि इस साल सपा जीतेगी, हमें तो लग रहा है। बल्टा पर बैठे हैं? नहीं, बल्टे की बात नहीं है, जनते की आवाज है, जनते की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। किस वजह से? यही भूखा मरी, गरीबी, कमजोरी आदमी को दबा रही, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई कब न रही, महंगा मोदी जी चाकरी नहीं मिल रही। मोदी जी हमारे चैनल के इंटरव्यू दिए, बच्चे लोग घूम रहे हैं नौकरी बेगर। गरीब कह जाइए, हमारा जो है मोदी जी हमारे चैनल के इंटरव्यू दिए, कहे इंदिरा गांधी के जमाने में महंगाई रही, मनमोहन सिंह के सरकार में महंगाई, सुविधा दे दी सरकार ने। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तेल उल इतना महंगा हो गया, घर पर बच्चे बैठे हैं, नौकरी चाकरी नहीं। इतनी जीएसटी किसी सरकार में नहीं थी, दाल पे नमक पे 48 रुपया, खाली दाल पे जीएसटी है। 115 बिकना चाहिए, 165 की बिक रही है, एकदम बिक रही है। अत्याचार बिल्कुल मचा हुआ है, पुलिस विभाग इनका मनमानी है, जिसको चाहे उसको उठा के बंद कर दे, डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? रामूलाल यादव, प्रधान गहोरा। अभी है प्रधान? नहीं, इस समय नहीं है। इस समय रहते थोड़ा हल्का बोलते। हल्का नहीं बोलते, तब भी बोलता। मैं वो जांच कराने मैं 15 साल प्रधान था, वो जांच करावा ना, 15 साल मैं था, मेरे कार्यकाल की जांच करा लें। एक रुपये घपला मिलता है, मैं सजा देखने के लिए तैयार हूँ। इन लोगों की तरफ चोर थोड़ा हूँ मैं। एक बात बताइए, नहीं कोई सब ना एक बात ये बताइए, बताइए सर, सब सब कि अपना अपना गरज को बताइए। सपा बसपा गठबंधन जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, हाँ। तो आप क्या नाम बताइए? रामूलाल यादव। हाँ, रामूलाल यादव। रामूलाल यादव जी, तो श्याम यादव आ गए यहाँ से, हाँ। तो मतलब यादव जी लोग तो उधर भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? 5 साल ही कहाँ थे, 5 साल अगर कहीं चेहरा दिखाए हो तो कोई जाएगा? यादव में थोड़ा है कि यादव उसी को दे देगा, यादव गठबंधन में जाएगा, श्याम सिंह में नहीं जाएगा। 5 साल इन्होंने एक दमड़ी काम नहीं किया है, मैंने 2-2 प्रस्ताव दिया, एक को नहीं पास किया उन्होंने, गांव में चेहरा नहीं दिखाए हैं, क्यों देंगे उनको? किस मुद्दे पर वोट हो रहा है तब? मुद्दा हो रहा है देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और ये अत्याचार, जो जबरदस्ती जिसको चाहे उसको बंद कर दो, कोई गाड़ी लेके जा रहा है एकदम एक्यूरेट है, उसको भी पुलिस चाहे कि जब चाहे भेज दे। लॉ एंड ऑर्डर भी तो ठीक हुआ सपा के सरकार में, क्या याद है? हम कहते हैं सपा में हो चाहे बसपा में, लॉ ऑर्डर तो बसपा का सबसे बढ़िया था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इनके में जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आप बताइए। जी सर, पूछिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। जो यादव जी बोल रहे हैं उससे आपका सहमत हूँ। धनंजय सिंह में क्या केस हुआ यार? धनंजय सिंह, अमित शाह क्या वहाँ से डीलिंग किए हैं? उस मामले हम लोग क्या जाने? अरे अमित शाह क्या करे, वो तो खुद ही समर्थन दे दिए 2 ही दिन के बाद। अपनी जान ना बचाओ, अपनी जान ना बचाओ, बुलडोजर चलता उनके यहाँ भी, अपनी जान ना, बुलडोजर चलता ना, बुलडोजर चलता, जिला पंचायत सदस्य चली जाती, बहुत जाता है, इसके बाद फिर अंदर जाते कौन छुड़ाता हूँ, अपनी जान बचा रहे हैं सब लोग। अरे भाई, उस समर्थन कर रहे, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बिल्कुल नहीं, हो तो मजबूरी से हम भी कहते हैं। अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ गए होते तो मजबूरी है उनकी, लड़ते तो भी क्या, हारते वही तब भी हारते, भाजपा बुरी तरह हराते। धनंजय सिंह को जीतना था, अब वो नहीं जीतेंगे, कुशवाहा जीतेंगे। धनंजय लड़ते जीतते, बिल्कुल जीतते, 100% जीतते, जमीन पे आदमी ने काम किया है, धनंजय सिंह ने जमीन पे काम किया है, कोई आदमी उसे निराश नहीं है, आज भी है। लेकिन एक अभय सिंह विधायक कहे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन धनंजय,
उतना अभय सिंह सबसे बड़े दान है। ये कहाँ दान हो गए? ये पब्लिक के काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष है, जितना इंटरलॉकिंग हुआ है, जितना आरसीसी हुआ है, जितना इनके समय में काम हुआ, इसके पहले कभी नहीं काम हुआ। धनंजय काम करते हैं, धनंजय की एक इमेज है, डर के भी तो बोल रहे होंगे आप। नहीं डर, यही तो रहना है, यही रहते हैं। क्या तो भाई, क्या उनसे डर थोड़ा रहे? ऊपर नहीं डरते, बाहरी डरते होंगे। बाहरी लोग डर काम किए भाई, यहाँ धनंजय से अच्छा काम किए। अरे सपा समाजवादी पार्टी का गमछा जिंदाबाद है भाई साहब, यहाँ गठबंधन जीत रहे 2 लाख वोटों से। पहले हम ये गमछा देख लीजिए, दर्शन देख लीजिए। नहीं, ये पिछले कुछ दिनों से ये एक विशेष रंग का गमछा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में बड़ा तेज फैला है। अगले तो ये कहाँ से मिल रहा है? नहीं, ये तो महाराज का प्रसाद है, वहाँ जब जाने लगे और तब से ये गमछा हम लगाने लगे। समाजवादी का मैं गमछा नहीं लिया हूँ। लेकिन आजकल लगा रहे वही? नहीं लगावे ठीक है, लेकिन यहाँ गठबंधन को वोट पड़ेगा, भारी महापोत से जीतेंगे यहाँ। हाँ, उनकी गमछा नहीं है, उनकी पार्टी की गमछा नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जमाने की बात पुराने की। नहीं नहीं, ये वाला ये है सपा का गमछा। नहीं नहीं, वो भी वही है, ये है सपा का गमछा ना? नहीं, सपा का नहीं है, ये हम लोग खरीदे हैं अपना। कहाँ से? ये दुकान से। तो ये सपा वाले ही है ना? हाँ है, तो सपा ही सपा के है, लेकिन देखा ये भी बिल्कुल सपा के हैं। ये हम इधर कुछ दिन से नोटिस किया था, हम कहा कि पता करें तो क्या सपा के तो हालत यहाँ कहाँ कभी जीत पाई, ना 9 जीती, ना 14 जीती, ना 19। इतिहास रहा है कि जौनपुर में जो भी लड़ता है वो समाजवादियों से लड़ता है, दूसरे किसी में ताकत ही नहीं है। अगर ताकत किसी को था तो धनंजय का व्यवहार, एक बार बसपा से लड़े थे, बाकी किसी में ताकत नहीं, जो भी लड़ेगा वो समाजवादियों से। एपी सिंह नहीं 14 में हराए? एपी सिंह हराए थे, तो परिस्थितियां दूसरी थी, आज की परिस्थितियां दूसरी है। की परिस्थिति थी के अंदर जो इस समय एक परिस्थिति थी कि सपा, सुने सपा और बसपा अलग अलग लड़ी थी, फिर सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही। इस समय जो सपा और बसपा अलग लड़ रही, इसकी परिस्थिति, आज की परिस्थितियां दूसरी है। आज पूरी जनता जो है चुनाव लड़ रही है, सपा बसपा और सारे लोग एक तरफ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मूल रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर, और जिस प्रकार से तमाम सारी समस्याओं को लेकर जनता में आक्रोश है, और जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। आइए आप बताइए।